राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पारेषण प्रणाली का वर्चुअल उद्घाटन किया और SJVN लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति ने संविधान निर्माण के 3 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को उद्यान के कलात्मक तरीके से प्रदर्शित करने के लिए कलाकारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संविधान उद्यान में हमारे आधुनिक इतिहास का एक प्रमुख अध्याय सुरुचिपूर्ण चित्रों, मूर्तियों और अन्य कला रूपों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस उद्यान के लोकार्पण समारोह में भाग लेकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इतने सुंदर और सूचनाप्रद संविधान उद्यान का परिकल्पना करना तथा इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी तथा इस कार्य से जुड़ी टीम के सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। संविधान उद्यान के साथ साथ इस राजभवन परिसर में मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि इन प्रतीकों में समाहित उच्च आदर्श की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों की जरूर मिलेगा। आज राजस्थान के सौर ऊर्जा उत्पादन को नेशनल ग्रेड में जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही 1000 मेगावाट वाली वेकिनार सोलर विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास हुआ। पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी पर स्वावलंबन की दिशा में ये सर्वसमस्त महत्वपूर्ण कदम है। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति के रूप में राजस्थान की ये मेरी पहली यात्रा है। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौर जैसे वीर योद्धाओं से लेकर स्वाधीनता के बाद परमवीर चक्र विजेता मेजर सोतान सिंह और कारगिल युद्ध के शहीदों तक राजस्थान के लोगों ने वीरता और बलिदान की अमित गाथाएं लिखी हैं। पद्मथाई और भामाशाह के आदर्शों की मिसाल आज भी दी जाती है और सदैव दी जाती रहेगी। ऐसे विभूतियों की इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारे लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। इस समारोह में भाग लेकर संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर भी मुझे मिल रहा है। एक कृतज्ञ राष्ट्र के निवासियों की ओर से भारत के अतुलनीय संविधान के असाधारण निर्माताओं की स्मृति को मैं नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैं समझती हूँ कि इस संविधान उद्यान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य संविधान के आदर्शों के प्रति जागरूकता बनाए रखना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की दिशा में एक कलापूर्ण प्रयास है। इस प्रयास के लिए मैं एक बार फिर राजस्थान सरकार और राज्य के सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र प्रथम। वंदे मातरम। जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।